दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं अबिन 24 न्यूज़। इस समय नेवल गांव में मौजूद हैं, जहां पर बता दें कि कल हमने आपको दिखाया था कि एक राजीव नाम का लड़का, 16 साल का लड़का, जो कि इसी नहर में डूब गया था और उसका लगातार जो है सर्च ऑपरेशन जारी करते हुए जो गोताखोर प्रगट सिंह पहुंचे हुए हैं। और अब आपको वो तस्वीर भी दिखाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आपको बता दें ये बहुत ही दुखद खबर जो कि परिवार के लिए है। और लगातार हम आपको बता रहे हैं कि सर्च ऑपरेशन जारी है, गाँव के लोग जो है मौजूद हैं यहाँ पर। और सबसे बड़ा दुख का बात तो ये भी है कि आज के दिन ही रक्षाबंधन है, आज के दिन रक्षाबंधन है। और रक्षाबंधन के दिन ही किस तरीके से, क्योंकि हादसा एक दिन पहले हुआ था, तो रक्षाबंधन से एक दिन पहले ही एक जो बेटा है एक परिवार का और कहीं ना कहीं किसी का भाई भी है, तो ऐसे में वो इसी नहर में डूब जाता है। और लगातार उसका सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी रखते हुए जो है अब गोताखोर प्रगट सिंह जो है वो अपना जो कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि जो शव है उसे जो है किसी तरीके से ढूंढा जा सके। तो यहाँ पर आपको तस्वीर भी दिखाने का प्रयास जो है वो करेंगे, राजीव की तस्वीर जो कि इसी नहर के अंदर डूब गया था, उसकी तस्वीर दिखाने का प्रयास जो है हम आपको करेंगे। ये आप देख पा रहे हैं जो राजीव जो आप देख पा रहे हैं इस तरफ, ये जो हम आपको इशारा कर रहे हैं जिस तरफ, आप देख पा रहे हैं राजीव नाम का 16 साल का लड़का जो कि इसी नहर के अंदर जो है वो डूब गया था। और लगभग कल के बताया जा रहा है कि 1 बजे के आसपास जो राजीव है वो इसी नहर में डूबता है। और पहले भी कल बता दें कि कई तरीकों से कोशिश जो है वो की गई शव को ढूंढने की, कई तरीकों से जो है ट्रैक्टर दोनों तरफ लगाकर जो है बकायदा रस्से बांधकर दोनों ट्रैक्टर्स पे बीच में काफ़ी सारे तैराक, लगभग बता दें 15 से 20 लोग जो हैं इसी पानी में गए थे। और उसके बाद फिर भी कोई जो है बता दें कामयाबी हाथ नहीं ना लग पाई, क्योंकि जो शव था वो फिलहाल किसी को दिख नहीं पा रहा था। और ऐसे में अभी फ़िलहाल आपको बता दें कि ये जो नहर है ये आगे की तरफ जाती हुई जो है लगभग 2.5 किलोमीटर के बाद एक और पुल आता है, तो वहाँ तक जो है इस सर्च ऑपरेशन को फिलहाल जारी रखते हुए आप देख पा रहे हैं इसी नहर के अंदर जो प्रगट सिंह है वो ऑक्सीजन मास्क लगाकर जो है वो इसी नहर के अंदर इस समय है और लगातार जो है वो कोशिश करते नज़र आ रहे हैं। ये देख पा रहे हैं उनकी जो टीम है गोताखोर प्रगट सिंह की, लगातार कोशिश करती नज़र आ रही है कि जो शव है उसे फ़िलहाल ढूंढा जा सके, लेकिन मुश्किलें बहुत आ सकती हैं, क्योंकि पानी जो है वो आप देख पा रहे हैं बारिशों का पानी है और साफ़ नहीं है, जिस कारण जो है शव को वो ठीक तरीके से पानी के अंदर नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल फ़िलहाल यही है कि कम से कम 2 से 3 दिन का इंतज़ार भी करना पड़ सकता है शव को ऊपर आने के लिए, तो उससे पहले ही क्योंकि जो परिवार है वो किसी तरीके से बच्चे का जो शव है वो उन्हें मिल जाए, ताकि वो अपनी जो अंतिम जो क्रिया है कम से कम वो तो कर पाएँ, क्योंकि अब ये उम्मीद लगाना तो मुश्किल साफ तौर पर ही है। क्योंकि बच्चा जब डूबा था वो आगे बढ़ने के बाद, पानी में आगे बढ़ने के बाद वो दिखना बंद हो जाता है, तो साफ तौर पर ये तो ज़रूर है कि वो पानी में डूब गया था। और उसके बाद जो है अब कम से कम उसका शव अगर मिल जाए तो परिवार को कम से कम इस बात की संतुष्टि तो ज़रूर होगी कि कम से कम उसका शव तो मिल गया, लेकिन अभी फ़िलहाल शव भी हाथ नहीं लग पाया। तो ऐसे में जो बता दें कि मौके पर जो उनका जो भाई है राहुल, वो भी यहाँ पर फ़िलहाल मौजूद हैं, आपको बता दें उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, उनका जो सबसे बड़ा भाई राहुल है उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ, किस तरीके से ये सब कुछ हुआ, उन्हें कब जो है इसके बारे में जानकारी लगी थी। तो आपको बता दें जो राहुल हैं वो यहीं पर बैठे हुए हैं। आपका नाम राहुल है, आपका छोटा भाई था राजीव, तो ये आपको कब पता चला कि ऐसे डूब गया है वो? जी हम तो, मैं भी और मेरा छोटा भाई, हम दोनों जॉब पे गए हुए थे जी, तो हमारे पास तो कॉल आई जी 2 बजे की, राजीव ना नहर में डूब गया, और लड़के तो उसके साथ 2-3 उन्होंने कॉल की, मेरे छोटे भाई पे कॉल की पहले, वो वहाँ से भाग गए, वो दाब जिद्द पे काम कर रहे थे, वहाँ से भाग गए दोनों भाई, तो फिर मेरे पास कॉल गई, हम आए तब तक फिर मेरे डैडी आ गए हमारे से पहले, तो वहाँ आके पता चला जी कि वो अभी आधा घंटा पहले, मतलब वो आधा घंटा तो पानी में घुलता रहा, मतलब आपस में झगड़ता रहा पानी के साथ, फिर 2 लड़के कूदे, इतने वो कूदे वो नीचे बैठ गए, फिर उसके बाद वो ऊपर ही नहीं आया। अभी शुक्रवार को उसके बाद जो में फ्रैक्चर था जी, प्लस्तर चढ़ा हुआ था, प्लस्तर कटवाया था, प्लस्तर चढ़ा हुआ था, प्लस्तर चढ़ा हुआ था, शुक्रवार को कटवाया था जी प्लस्तर भी उसका, तो वो पहले परसों उससे डूबने से 2 दिन पहले भी नहा के गया था जी यहाँ पे, बस जब नहा धो के चलने लगे तो बच्चे बोले चल चलो घर चलते, अभी घर वाले मारेंगे, तो बोले कि बस लास्ट एक बार वो डूबकी लगा लो, तो उसी डूबकी में वो अंदर आएगा, उसके बाद ऊपर ही नहीं आया, उसके बाद वो ऊपर नहीं आया। तो क्या वो अक्सर यहीं पे आया करता था हमेशा नहाने के लिए? क्योंकि कभी नहीं, वो तो बस ये अभी आना शुरू करा जी, ये
बता रहे हैं कि लगभग उसने तीन जो हैं वो फिश जंप लगाए, हाँ जी, जिसके बाद जो है मैं कल तीसरा या चौथा लगाया तो वो उसके बाद वो वापस नहीं आया। लास्ट जंप में वो बस लास्ट जंप में वो वापस नहीं आया। वैसे तीरना जानता जी, बहुत अच्छी तरह तीर लेता था, पहले तीरता था, देखा है जी पहले भी कई बार, तो अक्सर आपको बता के आता था, ऐसे ही आ जाता जी बिना बताए। हाँ जी, सुबह 4 बजे आया था जी, वो कई बजे काम पे गया हुआ था जी, बच्चों के साथ काम पे चल जाते, जैसे आके 4 बजे सुबह 11 बजे लड़कों ने उठाया, भाई चलो खेलने चलते हैं, वो खेलते खेलते यहाँ तक पहुँच गए जी। वो बच्चे नहा रहे थे, उन्होंने सोचा हम भी नहा लें, यहाँ पे पानी कम है नहर में, तो वो उसको क्या पता इधर कह रहे वो। कल भी काफ़ी कोशिश की सबको ढूंढने के लिए, सभी गाँव वालों ने मिल गए जी, इसमें काफ़ी कोशिश की, 25 लोग पानी में, हाँ जी 20-25 लोग, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ जी। घर में कौन कौन है, कितने लोग हैं आप? मैं हूँ जी, एक मेरा छोटा भाई है जी, एक तीन ब्रदर थे जी, मम्मी डैडी। आप तीन भाई थे? हाँ जी। तो छोटे और कौन से भाई हैं आपके? तो यहाँ पर फिलहाल जो है आप देख पा रहे हैं, राहुल इनका नाम है और ये सबसे बड़े भाई हैं, तीन ये कुल भाई थे और राजीव सबसे छोटा था जो कि डूब जाता है। और सभी गांव के जो लोग हैं वो अभी फ़िलहाल कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल नहर में किसी भी शव को ढूंढना जो है वो इतना आसान नहीं होता, ये काफ़ी मुश्किल भरा होता है, क्योंकि नहर इतनी बड़ी है, शव कहाँ का कहाँ पहुँच जाए कुछ भी नहीं कहा जा सकता। शव जब तक पानी के ऊपर नहीं आता तब तक जो है शव कहाँ पहुँच जाए ये भी कहना मुश्किल है, कि क्या वो इसी इलाके के आसपास होगा या 5 किलोमीटर आगे मिलेगा या 10 किलोमीटर आगे मिलेगा, ये कहना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन फ़िलहाल अपनी तरफ से सभी गांव वाले कोशिश कर रहे हैं उस शव को ढूंढने की, कि किसी भी तरीके से अगर मिल जाए तो परिवार को कम से कम फ़िलहाल ये संतुष्टि तो ज़रूर हो जाएगी, क्योंकि जितने भी परिवार होते हैं उन्हें ये बात पता होती है कि अब उनका जो परिवार का जो सदस्य है वो वापस तो नहीं आएगा, लेकिन कम से कम इस बात की तसल्ली हो जाती है कि वो अपनी जो अंतिम क्रियाएं वो ज़रूर कर लेंगे। लेकिन शव ना मिले तो ऐसे में परिवार को एक उम्मीद भी कहीं ना कहीं लगी रहती है कि शायद वो कभी ज़िंदा वापस आ जाए, लेकिन यहाँ पर जो है इस असमंजस में परिवार सारी ज़िंदगी भी रह जाते हैं जिनके जो शव हैं वो नहीं मिल पाते हैं, और इसी उम्मीद में वो लोग रहते हैं कि शायद वो कभी वापस ज़रूर आ जाएगा, क्योंकि उसका शव नहीं मिला था। तो ऐसे में गोताखोर प्रगट सिंह जो है वो लगातार सेवा का कार्य कर रहे हैं, और अभी हम जो यहाँ पहुँचे हैं, कल भी ऑपरेशन किया गया था, सर्च ऑपरेशन गांव वालों की तरफ से, बकायदा कुछ प्रोफेशनल गोताखोर भी आए थे, लेकिन जो प्रगट सिंह हैं उन्हें तो काफ़ी ज़्यादा अनुभव है, तो वो अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं और लगातार जो है वो ऐसे ही प्रयास करते हैं, किसी भी जगह पर जो है वो पहुँच कर जो है जो भी ऐसे परिवार होते हैं उनकी पूरी मदद जो है अपने तरीके से करते हैं। और अभी तक आगे देख लीजिए, हम आगे पहुँच रहे हैं और आगे अभी तक काफ़ी जो दूर है, फ़िलहाल हम लगभग आधा किलोमीटर आगे जो है लगभग उसके आसपास हम आ चुके हैं, जिसके बाद अभी तक फ़िलहाल कुछ भी अता पता नहीं लग पाया। तो आप देख पा रहे हैं जो गोताखोर हैं वो तस्वीरों में ही पानी के अंदर जो है जिस तरीके से धीरे धीरे वो जा रहे हैं, और आगे आगे बढ़ते हुए सभी गाँव के लोग साथ साथ चल रहे हैं, कि शायद अगर कोई भी जानकारी मिलती है, किसी तरीके का कोई अंदेशा होता है कि शव अगर नीचे मिलता है तो फिर सभी लोग जो हैं प्रयास करेंगे, मदद करेंगे साथ में कि किसी तरीके से शव को बाहर निकाला जाए, क्योंकि मुश्किलों भरा ये काम जो है वो काफ़ी लंबा जो है चल जाता है, कहीं कहीं घंटों चलता है, आपको बता दें 2-2 दिन भी लग जाते हैं ऐसे कामों के अंदर, लेकिन उसके बाद भी कई बार ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं जो कामयाबी हाथ नहीं लग पाती है। लेकिन फ़िलहाल प्रयास जो है वो फ़िलहाल यही है कि बच्चे का जो शव है वो अब मिल जाए। राजीव नाम का लड़का, बड़ा गांव का रहने वाला, नहाने आया था लेकिन कैसे जो है अपनी ज़िंदगी गवा बैठा, और ऐसे ही बच्चों को हम यही कहना चाहेंगे कि इस तरीके से जो है अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में ना डालें। परिवार जो है, माँ बाप जो हैं, वो बड़ी मुश्किलों से बच्चों को बड़ा करते हैं, और ऐसे में वो अपनी छोटी सी एक इच्छा को पूरी करने के लिए जो है वो यहाँ पहुँच जाते हैं ऐसे नहरों के किनारे, और उसके बाद जो है किस तरीके के हादसे होते हैं ये आप देख पा रहे हैं। और बता दें कि आज दूसरा दिन हो चुका है उस सर्च ऑपरेशन को जारी रखते हुए, और बता दें कि कल ही ये हादसा हुआ था और आज रक्षाबंधन भी है, तो आप समझ सकते हैं कि किसी न किसी का वो भाई भी था। ऐसे में काफ़ी ज़्यादा दुखद है उस परिवार के लिए, जिस परिवार ने उस बच्चे को किस तरीके से पाल पोस कर बड़ा किया और कितना प्यार जो है वो परिवार करता होगा, और बकायदा उनके जो भाई हैं उनसे भी हमारी बात हुई, लेकिन अभी तक सिर्फ उम्मीद यही करते हैं कि शव अगर मिल जाए तो परिवार को कम से कम इस बात की तसल्ली ज़रूर हो जाएगी, लेकिन अभी तक
कोई भी जो जानकारी नहीं लग पाई। पूरे गांव जो है कल प्रयास कर रहा था, कोशिश कर रहा था, 20-20, 25-25 लोग इस पानी में उतरे, लेकिन कुछ भी जो है हाथ नहीं लग पाया। और अभी लगातार जो है नहर में आगे बढ़ते हुए जो गोताखोर हैं वो प्रयास कर रहे हैं। अगर शव मिलता है तो आपको इसकी जानकारी ज़रूर देंगे, और आपसे उम्मीद भी करते हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, ताकि जितने भी माता पिता हैं वो कम से कम अपने बच्चों को ये बात ज़रूर बता दें कि नहर के किनारे बिल्कुल ना जाएं। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुँचे आप तक।